स्टूडेंट्स वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सेल के विषय में पढ़ा और सेल का जो शेप और साइज, सेल नंबर्स और स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ा। अब हम इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ द सेल के विषय में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी पार्ट्स ऑफ द सेल। ओके, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, अब सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सेल जो हम आज इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ सेल के अंतर्गत पार्ट्स का अध्ययन करेंगे, वो पार्ट्स हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड्स, वैक्यूल। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल्स के केवल यही पार्ट हैं, इसके अतिरिक्त बहुत अधिक पार्ट हैं। जैसे अगर हम इस प्लांट और एनिमल सेल को देखें तो इन दोनों में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, गोल्जी एपर्चर्स है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और बहुत सारे पार्ट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और बहुत सारे गोल्जी कॉय, गोल्जी बॉडीज, ये बहुत सारे पार्ट्स हैं। लेकिन हम इनमें से कुछ पार्ट्स का ही यहाँ पर अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के विषय में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन सेल का वो पार्ट होता है जिससे सेल जो है एनक्लोज्ड होती है, घिरी होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसके अंदर ही सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनोदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये छिद्र युक्त होती है, जो सब्सटेंस या मटेरियल्स होते हैं उनको इनवर्ड और आउटवर्ड, अंदर और बाहर जाने में सहायक होती है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बाउंड्री के विषय में बात करते हैं, द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनोदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। जो प्लांट सेल्स होती हैं, उन प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक थिक वॉल होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। और इस के अंदर एक डेंस पार्ट होता है जो राउंड बॉडी होती है सेंटर में, तो उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस माने केंद्र। तो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और ये जेली लाइक सब्सटेंस इसके अंदर बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, इनके बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी सीखा है
कि जो सेल मेम्ब्रेन, अभी बताया कि सेल मेम्ब्रेन जिससे उसके आउट में, उसके बाहर एक थिक लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये क्यों होती है और प्लांट सेल में क्यों होती है? तो प्लांट सेल में इसलिए होती है क्योंकि प्लांट्स सेल की ये जो प्रोटेक्शन करती है किसे, टेम्परेचर से, हाई विंड स्पीड से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, इन चीजों से ये सेल की प्रोटेक्शन करती है, मतलब सेल की रक्षा करती है। ठीक है, तो ये सेल वाल का वर्क फंक्शन हो गया। एक जो अंतर है किसमें, एक प्लांट सेल और एनिमल सेल में, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं जो ये एक्टिविटी 8.4 में कि जो टूथपिक या मैचस्टिक से हम क्या करते हैं, जो हमारा जो चिक है उसके अंदर कि हम एक छोटी सी एक पार्ट लेते हैं, है ना, अपने चिक के अंदर का जो मुलायम पार्ट होता है सॉफ्ट, उसको थोड़ा सा लेते हैं और उसको क्या करते हैं, एक स्लाइड पर रखते हैं, उसमें पानी की ड्रॉप डालते हैं, ठीक है, और उस ड्रॉप पर आयोडीन की एक दो बूंद डालते हैं और उस पर कवर स्लिप ढक देते हैं, कवर स्लिप ओवर इट। अल्टरनेटिवली एड वन और टू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, इस पर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन की एक दो ड्रॉप भी डाल देते हैं, तो इससे हम क्या करते हैं कि जो सेल है तो सेल के अंदर जो पार्ट्स हैं वो हमें अच्छे प्रकार से दिखाई देते हैं। तो यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ए सेल वॉल इज अब्सेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, तो एक ये इम्पोर्टेंट इसका जो डिफरेंस है, जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती और जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक ये एक्टिविटी दी थी, इस एक्टिविटी में क्या था, इस एक्टिविटी में जो ओनियन होती है ना, प्याज, तो प्याज को जब हम छीलते हैं ऊपर से तो उसकी जो बल्ब होता है, मतलब अंदर वाला पार्ट होता है, तो उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, तो उस पतली सी झिल्ली को हम उतार करके उसके टुकड़े करते हैं बहुत छोटे छोटे महीन, और उसको भी स्लाइड पर रखते हैं। स्लाइड पर रखने के बाद उसमें पानी की ड्रॉप डालते हैं और आयोडीन सॉल्यूशन की बूंद डाल करके, और उसमें भी हम जो मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन होता है उसमें उसको डाई करते हैं और उसके ऊपर कवर स्लिप रखते हैं। कवर स्लिप इस प्रकार से रखते हैं कि उसके अंदर कोई एयर का बबल ना आ जाए, ठीक है, कोई बुलबुला नहीं आना चाहिए। और उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व करते हैं स्लाइड को, तो किससे करेंगे, माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसको रखते हैं स्लाइड को, तो हमें उसकी जो है सेल का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल दिखाई देती है, और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर एक चीज जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, वो होता है। न्यूक्लियस होना बहुत आवश्यक है हर सेल के लिए। अब इसके बाद में ये दिखाई गई ह्यूमन चिक सेल्स, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म में, यहां पर ये साइटोप्लाज्म बिखरा हुआ है, तो ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। लेकिन जो आप डिफरेंस क्या करना, हमने जो सेल
प्लांट सेल होती है उसमें ये वॉल जो है, ये लेयर सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके बाहर एक लेयर और होती है, वो सेल वॉल होता है। हमने जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है उसमें हम इसका डिफरेंस सही से देखेंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है और इसके अंदर इस बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। दीज आर, ऐसे पार्ट हमने भी बताए थे पहले उसमें पिक में, तो दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स और बहुत सारे नाम मैंने भी उसमें पिक्चर में आपको बताए थे। तो ये पार्ट्स होते हैं किसमें? साइटोप्लाज्म में। अब न्यूक्लियस भी हमने उसमें देखा डायग्राम में। तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जो है सेल का बहुत इंपॉर्टेंट जीवित जो जीवित सेल होती हैं कोशिका, तो उसके अंदर ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, बहुत आवश्यक भाग होता है इसका, ठीक है। तो इसको स्टेंड करके हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से बड़ी आसानी के साथ। और ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा न्यूक्लियस सेपरेट रहता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये पोरस होती है, मतलब छिद्रयुक्त होती है। इसमें से जो मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर और उधर न्यूक्लियस के अंदर आ जा सकते हैं आसानी के साथ। तो अगर हम उच्च आवर्धन शक्ति वाले माइक्रोस्कोप से इसका अध्ययन करते हैं तो इसके अंदर जो है स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है और वो भी राउंडेड होता है, उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ये कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक मतलब धागे जैसी संरचना होती है। और ये क्या करते हैं? ये जीन्स को पेरेंट से उनकी संतानों में जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनको ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये जीन्स को पेरेंट्स से संतानों में अनुवांशिक लक्षण ले जाने के लिए इनका जो है कार्य होता है। अभी मैंने जैसे जीन्स के विषय में आपको बताया कि जीन्स एक इनहेरिटेंस, जीन्स इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ ए हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स और टू ऑफस्प्रिंग। ये इसका काम जो है, ये भी फंक्शन हम कह सकते हैं कि ये जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं पेरेंट्स से संतानों में जो आनुवंशिक लक्षण जाते हैं उस पर कंट्रोल करने का काम भी जीन्स का होता है। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू, जिसके कारण से जो पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स संतानों में जाते हैं। जैसे कोई फादर है तो फादर की मान लिया आईज ब्राउन है, तो हो सकता है कि उनके जो संतान है उनकी आईज ब्राउन हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी मदर के जो बाल हैं वो कर्ली हो, घुंघराले, तो उनकी संतानों में उनके जो बाल हैं वो भी घुंघराले हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो लक्षण है माता पिता के लक्षण संतानों में जो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। तो इस प्रकार के लक्षण को ले जाने का काम कौन करते हैं? क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो
न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की जो एक्टिविटीज हैं उस पर कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का होता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। इसमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है, एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इस सेल के अंदर जो है प्रोटोप्लाज्म होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का जीवित पदार्थ। कोशिका का जीवित पदार्थ क्या है, प्रोटोप्लाज्म। अब हम न्यूक्लियस के आधार पर दो प्रकार के न्यूक्लियस के आधार पर सेल्स होती हैं। वो कौन कौन सी सेल्स होती हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखेंगे। तो ये जो इसमें ये साइटोप्लाज्म है और ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर ये जो मटेरियल है ये न्यूक्लियर मटेरियल है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियर न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, बस ये मटेरियल जो है ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये यूकैरियोटिक सेल में, तो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस को हम देख रहे हैं कि ये इसके बाहर मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं थी। ठीक है, और मेन डिफरेंस यही है इसके अंदर। अब इस न्यूक्लियस के अंदर ये एक राउंडेड पार्ट और होता है, इसमें न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियोलस में क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी मैंने इसके विषय में भी पढ़ाया था आपको। तो इस प्रकार से हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। एक और क्या है, इसमें जो ओनियन सेल्स है उसका हमने माइक्रोस्कोप के अंदर अध्ययन किया, तो उसमें एक ब्लैंक स्पेस होता है, मतलब खाली जगह होती है, तो उसको हम वैक्यूल बोलते हैं। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज एन इन एन ओनियन सेल। ठीक है, तो ये जो है वैक्यूल ओनियन सेल में मिलता है। लेकिन अगर हम चीक सेल अर्थात एनिमल सेल में देखें तो ये वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं या बिल्कुल उसमें एनिमल सेल में अब्सेंट होते हैं। और जो प्लांट सेल होती हैं उन प्लांट सेल में कलर्ड सब्सटेंस होते हैं, जैसे ट्रिटेंसिया और उसकी लीफ होती है, और दूसरी जो ये लीफ होती है मतलब ग्रीन प्लांट्स के लिए, तो उनमें क्या होता है ये प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है तो उसके कारण से पत्तियां हरी होती हैं। ठीक है, तो इसमें सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण से जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं, और इन ग्रीन लीव्स के कारण से ही जो लीफ हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती हैं, और उसके लिए ये आवश्यक भी होता है। अब अगर हम कंपैरिजन करें, अभी मैंने कंपैरिजन भी साथ साथ बताया था, लेकिन अगर हम इस डायग्राम के साथ कंपैरिजन करें एनिमल सेल और प्लांट सेल का, तो स्पष्ट होता है हमें क्या, एक तो जो ये एनिमल सेल है
और ये प्लांट सेल है। तो देख करके ही हम इसका डिफरेंस बता सकते हैं। देखकर कैसे बता सकते हैं? जो एनिमल सेल है वो राउंडेड शेप में होती है, ठीक है, ये राउंडेड होती है, सर्कुलर होती है, और यदि हम इसको प्लांट सेल को देखते हैं तो ये हेक्सागोनल भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ठीक है। और एक तो ये डिफरेंस हो गया, देखने से पता लग गया। दूसरा डिफरेंस क्या है इसमें? ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सिंगल है, एक लेयर है सेल की, ये सिंगल लेयर है, जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं डबल लेयर है। तो ये बाहर वाली जो लेयर है ये सेल वॉल कहलाती है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। जो न्यूक्लियस है यहाँ पर बिल्कुल ये सेंटर में होता है, और ये प्लांट सेल में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है, और इसमें ये बहुत बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं या अब्सेंट होते हैं। ये वैक्यूल देखो कितना छोटा है और यहाँ पर कितना बड़ा वैक्यूल है, तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये, और दूसरा ये जो हमारी प्लांट सेल है इसमें क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिक्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये क्लोरोप्लास्ट किसी प्रकार के प्लास्टिक्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर नीचे भी एक टेबल दी हुई है, इस टेबल के माध्यम से हम इसको अच्छे प्रकार से डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने भी बताया कि ये सेल मेम्ब्रेन है तो प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में भी होती है। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, इसमें भी और इसमें भी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में होती है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल में नहीं होती है। वैक्यूल यहाँ पर बहुत बड़े होते हैं और यहाँ पर या तो अब्सेंट होते हैं या बहुत छोटे होते हैं, ओके। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में प्लांट सेल और एनिमल सेल के पार्ट्स और उनमें डिफरेंस और सिमिलरिटीज के विषय में पढ़ा, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ सेल और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के विषय में पढ़ा, और सेल सिमिलरिटीज मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं इसके विषय में सीखा, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारी ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है इसमें जो हमारी एक्सरसाइज है उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करके उसकी एक्सरसाइज आप अपने नोटबुक में सॉल्व करेंगे, लिखेंगे और लर्न करेंगे, ओके। थैंक यू।